understood about the dinoflagellates. Now let me discuss about the third group of the Procyon algae. ठीक है, जी प्रोस्टियन एल्गिन और प्रोस्टियन एल्गी अगर हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआंस में, अब हम क्या करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोआंस के बारे में ही अगर हम बात करें तो इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम यूग्लिनॉइड्स के बारे में. ठीक है, यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, डैम्प सॉइल्स में मिलते हैं. यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट होते हैं ये. बॉडी जो होती है वो थीन होती है, मतलब कवर्ड होती है थीन और फ्लेक्सिबल पेलिकल से. एंड अगर हम बात करते हैं तो सेलुलोसिक सेल वॉल क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है. इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. ठीक है, दे हैव टू फ्लैजिला, यूजुअली वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट. यहाँ पे आप इसको हेट्रोकॉन्ट नहीं बोलेंगे. हेट्रोकॉन्ट क्यों बोल रहे थे हम डाइनोफ्लैजिलेट्स में, हम बोल रहे थे कि उनमें भी दो डिफरेंट फ्लैजिला थे बट उनका जो ओरिजिन था दैट वॉज डिफरेंट, कि एक ट्रांसवर्सली ग्रो कर रहा है और दूसरा कैसे था वर्टिकली ग्रो किया था. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑफ देम. ठीक है, यहाँ पे दो फ्लैजिला हैं बट दे वरी इन द साइज, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है. और अगर हम बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, क्रिपिंग मूवमेंट शो करते हैं विथ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ देयर बॉडी. बॉडी को एक्सपांड करते हैं, उसको क्या करते हैं वापस कॉम्पैक्ट कॉन्ट्रेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली क्या करते हैं क्रिप करते हुए आगे अपनी बॉडी को मूव करते हैं. एंड इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हैं, मेटाबोली. ओके, जो अगर हम यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं इनमें मूवमेंट कैसा होता है, क्रिपिंग मूवमेंट होता है. इनकी बॉडी को एक्सपांस और कॉन्ट्रेक्टाइल करके ये क्या करते हैं मूवमेंट शो करते हैं, और इस तरह के फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, मेटाबोली कहते हैं. न्यूट्रिशन की बात करें तो ये होलोफाइटिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, और अगर हम बात करें तो सेप्रोबिक भी कहते हैं. ठीक है, सेप्रोबिक न्यूट्रिशन ऑल्सो फाउंड इन दैम. और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फूड रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो किस फॉर्म में फूड रिजर्व करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ये फूड रिजर्व करते हैं. मतलब फूड जो रिजर्व फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है. किसके फॉर्म में, पैरामाइलोन के फॉर्म में होता है. पैरामाइलोन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड्स मतलब हम क्या बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उसका टाइप है एक पॉलीसेकेराइड. तो ये क्या होते हैं, फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में इनका फूड रिजर्व होता है. कार्बोहाइड्रेट का भी कौन सा फॉर्म मिलेगा आपको, पॉलीसेकेराइड, जिसमें क्या होगा पैरामाइलोन. हम नॉर्मली उसे मतलब जो पॉलीसेकेराइड उसका नाम क्या होता है, पैरामाइलोन होता है. यूग्लिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की तो लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फ्यूजन से फेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, यूग्लिनॉइड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फ्यूजन हो जाएंगे, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो पैलमेला स्टेज के थ्रू क्या होते हैं ये, मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो पैलमेला स्टेज में ये आपको मिलेंगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. यूग्लिनॉइड्स की अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे यूग्लिना है, यूट्रेप्टिया, फैकस. ठीक है, ये सब जो है क्या है, ये सब स्पीशीज किसकी एग्जाम्पल है, यूग्लिनॉइड्स की एग्जाम्पल है. यूग्लिनॉइड्स के बारे में अगर हम एक और बात करें जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, और अगर हम बात करें कि हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी कि कनेक्टिव लिंक की तरह एक्ट करते हैं प्रोटिस्टा किसके बीच में, मोनेरा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में. ठीक है, तो यहाँ पर जो यूग्लिनॉइड्स की, यूग्लिना की अगर हम बात करते हैं, यूग्लिना को कंसिडर किया जाता है एज अ प्लांट एज वेल एज एनिमल. ठीक है, ये यूग्लिना का मैंने आपको डायग्राम बताया, इसको प्लांट और एनिमल दोनों के उसमें कंसीडर किया जाता है. कुछ फीचर्स हैं इनके जो प्लांट की तरह शो करते हैं, कुछ फीचर्स हैं जो किसके हैं, एनिमल्स के फीचर्स ये रखते हैं. जैसे प्लांट फीचर क्या होते हैं, जैसे इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन ये शो करते हैं ना, ये प्लांट फीचर्स है. और एनिमल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे पेलिकल की प्रेजेंस, ठीक है, सेल्यूलोस की एब्सेंस, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ये जो कैरेक्टर्स हैं किसके हैं, एनिमल के फीचर्स हैं. तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो दोनों के फीचर्स शो करते हैं, तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं एज अ प्लांट एज वेल एज एनिमल. ठीक है, तो इनको इस बेसिस पे हम क्या कहते हैं, प्लांट एनिमल भी कहते हैं. आई होप
टू अंडरस्टूड अबाउट द फोटोसिंथेटिक प्रोस्टियन प्रोटिस्ट, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एल्गी और प्रोस्टियन एल्गी के बारे में आप फैमिलियर हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट